हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फोन पे की ए टू जेड सेटिंग्स। दोस्तों फोन पे तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन फोन पे की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स होती है, कुछ ऐसी सेटिंग्स है यहाँ फोन पे के हमें सभी सेटिंग्स का मालूम नहीं है। तो आज मैं आपको फोन पे की ए टू जेड सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप फोन पे को यूज करना काफी आसान हो जाएगा और काफी सिंपलिसिटी की तरह, सिंपल तरीके की तरह आप फोन पे का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट पहले और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। इसके लिए आपको फोन पे पर जाना है। फोन पे कुछ इस टाइप से हमारे सामने लोगो आ जाता है। फोन पे पर आपको जाना है और यहां से आपको बैग निकलना है। बैग निकलते हुए देखिए डायरेक्ट आपके सामने विंडो कुछ इस टाइप की आएगी, ठीक है। विंडोज आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिनका हम सिंपली काफी यूज भी करते हैं। तो यहाँ से एक तो आप अपनी प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं, यानी सेटअप कर सकते हैं, अकाउंट एड कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन जो मेन ऑप्शन है, यहाँ से आपको किसी को पैसा भेजना है, सेंड करना है, तो डायरेक्टली उसके मोबाइल नंबर के जरिए पैसे टू कॉन्टेक्ट से भेज सकते हैं। लेकिन भैया मोबाइल नंबर से पैसा भेजना है, लेकिन हमें तो यार उसके अकाउंट में डालना है, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है टू अकाउंट। यहाँ पर सामने वाले के अकाउंट नंबर आपको डालने हैं, उसके आईएफएससी कोड डालना है, मोबाइल नेम डालना है, वहां से चेकिंग होगा और डायरेक्टली आप उसके अकाउंट नंबर पर पैसा भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने ही अदर अकाउंट में पैसा भेजना है जो कि इसके अंदर लिंक्ड हो, तो आपको यहाँ से सेल्फ आप अपने ही बैंक अकाउंट के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहां से अगर आपको किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहां से आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर फोन पे का वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि फोन पे का वॉलेट का अगर आप यूज करते हैं तो फोन पे के वॉलेट के अंदर आपको काफी ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो आपको फोन पे के वॉलेट वाली फैसिलिटीज को भी आपको यूज में लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रिवार्ड पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिवार्ड पॉइंट का अर्थ क्या है, क्या है रिवार्ड पॉइंट? रिवार्ड पॉइंट का अर्थ है कि अगर आपने फोन पे में कोई पेमेंट सेंड करा उस समय आपको जैसे गूगल पे के अंदर रिवार्ड मिलते हैं, वैसे ही रिवार्ड यहां पर भी मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो इन्वाइट करते समय कोई चार्जेस, कोई पैसा मिलता है ना आपको, वो पैसा भी यहां पर शो हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को फोन पे के माध्यम से बिल पे करना है, रिचार्ज करना है, वो यहां से कर सकते हैं। माना कि हमें फोन पे से रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज पर जाकर फोन पे से आप डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन फोन पे से अगर आपको डिश टीवी का रिचार्ज करना है तो डिश टीवी का कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। कोई लोन की पेमेंट करनी है, रेंट पेमेंट करना है, वो आप यहां से कर सकते हैं। भैया हमें तो फास्टैग में रिचार्ज करना है तो आपको अदर ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि फास्टैग काफी ज्यादा चलता है और लोगों को फास्टैग में रिचार्ज करना होता है। अदर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, देखिए फास्टैग का। फास्टैग का रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ वाउचर्स बाय करने हैं, मेट्रो सिटी का टिकट बुक करना है, कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिनका आप यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सीसी यानी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, लोन का ऑप्शन मिल जाता है, इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, टैक्स पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करना उसका मिल जाता है। काफी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, इनका यूज में आप ले सकते हैं। बैग निकलना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर इनकी स्पॉन्सर्ड लिंक मिल जाती है। अगर आपको आजकल फोन पे का काफी यूज करता है, फोन पे के जरिए इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, काफी कुछ हो रहा है दोस्तों। अगर आपको वो कुछ करना है तो इंश्योरेंस वाले टेप से आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फ्लाइट टिकट बुकिंग करनी है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इन सभी ऑप्शन का यूज में ले लिया है, लेकिन दोस्तों इसके बाद में हमें भैया स्टोर से कुछ बाय करना है तो यहाँ पर नीचे की ओर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्टोर्स का। आप स्टोर का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर किराना स्टोर, फूड स्टोर, मीट स्टोर, आपको यहाँ पर फार्मेसी देखने को मिल जाती है, मेडिकल शॉप, डॉक्टर एंड लैब, काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। इंश्योरेंस का एक सिंपल टेप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट का टेप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट पर आप जाएंगे, यहाँ से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं, यानी टैक्स सेविंग स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ₹100 भी आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट SIP फाउंड फंड आपको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको FD कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग थीम्स आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको हाई रिटर्न्स वाले देख सकते हैं।
तो ये थे कुछ ऑप्शंस। इसके साथ दोस्तों अगर आपने पैसा कुछ सेंड करा है तो उसकी हिस्ट्री भी आप यहां से देख सकते हैं। इस टाइप से आप फोन पे के एडजस्टर सेटिंग्स का यूज में ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर 5 मिनट के अंदर मैंने आपको फोन पे के एडजस्टर सेटिंग बता दी है, क्योंकि हम 5 मिनट के अंदर की ही वीडियोज बनाते हैं। आई होप ये वीडियोज आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती हो। अगर आपको वीडियोज पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।